आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। विधायक ने की सबके सहयोग से भवन पूर्ण कराने की घोषणा, दी 10 लाख की स्वीकृति। खेतिया, बरसों से अधूरे पड़े कोली समाज भवन का निर्माण पूर्ण कराने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आप सबके सहयोग से, मेरी विधायक निधि की सहायता से हम इस भवन को पूर्ण करेंगे। उक्त बात पानसमल क्षेत्र के विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े ने वाल्मीकि कोली समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कही। विधायक सुश्री किराड़े ने कार्यक्रम के दौरान ही भवन निर्माण हेतु समाज के लोगों को सहयोग करने आगे आने की बात कही। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री वाल्मीकि जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर किया गया। कोली समाज सदस्यों द्वारा सम्मानीय अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंदनबाई अरविंद बागुल ने की। विशेष अतिथि बतौर नगर पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजेश नाहर, विधायक प्रतिनिधि अरविंद बागुल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संतोष पटेल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष संजय निकुम, वरिष्ठ सर्वेश्वर पटेल, लाला सोनिस, रामदास बोर से पार्षद अनिल चौधरी, राकेश चौधरी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। श्री राजेश नाहर ने अपनी बात रखते हुए कहा, आप बड़े हैं और हम सब लेने वाले छोटे। कौली समाज का भवन बनेगा तो समाज ही नहीं, हर व्यक्ति और हर समाज के काम आएगा। अतः आप उदारता से इस भवन के निर्माण के लिए अपना सहयोग दें। विधायक प्रतिनिधि अरविंद बागुल ने समाजजनों से आह्वान किया कि विधायक सुश्री किराड़े आज हमारे भवन के लिए अपना योगदान दे रही हैं। हम अपना भवन का निर्माण पूरा करें, विधायक जी के साथ दें। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ नेता निवृत्त शिक्षक नथु बोर से बूढ़ा दादा का विधायक और समिति सदस्यों ने अभिनंदन किया। कार्यक्रम के संयोजक देवमन निकुम महेंद्र सनेर ने बताया, वाल्मीकि कोली समाज के भवन का निर्माण लंबे समय से अधूरा है। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री श्री बाला बच्चन जी तथा शहर के सामाजिक लोगों ने राशि उपलब्ध कराई। समाज का भवन होगा तो समाज की गतिविधियों के साथ साथ समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कोली समाज भवन पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। वहीं उपस्थित महिलाओं ने सुश्री किराड़े का जोरदार स्वागत किया। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट।